इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था,
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था, बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाशगंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। आर्यमान का गुरुदेव होशिंग को प्रणाम। एक गुरु के लिए आनंद नहीं इससे बड़ा जब उसी का शिष्य उसे परास्त कर दे। सिद्ध हुए तुम शस्त्रों की परीक्षा में आर्यमान, शास्त्रों की परीक्षा में भी मैंने नहीं पाया शिष्य तुमसे श्रेष्ठ। योद्धा नहीं है ब्रह्मांड में तुम्हारे समान, मुक्तिदाता होगे तुम ही आर्याना आकाश गंगा के। आपके आशीर्वाद से सब कुछ संभव है आचार्य, परंतु स्मरण रहे शत्रुता के लिए कभी शस्त्र मत उठाना हाथ में। शस्त्र उठाना सदैव शास्त्रों के सम्मान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए।
शक्ति की सार्थकता होती है तभी जब वो बनती है भुजा दुर्बलों की, आंख अंधों की, आवाज गूंगों की। जितना मेरे पास था मैंने तुझे दिया आर्यमान, शेष तुझे सीखना है जीवन से। मेरे जीवन तो आपके चरणों में है आचार्य, आपके वचन मेरे लिए शास्त्र हैं और आपके इशारे मेरे लिए आदेश, और ये कुरुक्षेत्र मेरे लिए विश्व है आचार्य। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरु शिष्य का गर्भ होता है आर्यमान, और एक ना एक दिन गर्भ तो छोड़ना ही पड़ता है जीने के लिए। समय से अधिक रहना गर्भ में हानिकारक होता है दोनों के लिए। तेरा जन्म नहीं हुआ इस कुरुक्षेत्र से बंधे रहने के लिए। अनंत ब्रह्मांड है तेरी कर्म भूमि, और तेरा कर्म है मुक्ति आर्याना अंतरिक्ष की। आर्याना, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, मेरे कंधों पर इतना बोझ मत डालिए आचार्य। मैं तो केवल आपका शिष्य रहकर ही संतुष्ट हूं। शिष्य रहकर संतुष्ट है, केवल संतोष तेरी नियति नहीं है आर्यमान। तेरी भुजाओं में अंतरिक्ष का भविष्य है, स्वप्न है तू जिसे देखा है आर्याना ने शताब्दियों से अपनी मुक्ति के लिए। तू ना तो कुरुक्षेत्र का था, ना कुरुक्षेत्र का है, ना कुरुक्षेत्र का रहेगा। अरे कुरुक्षेत्र तो मात्र एक पड़ाव था तेरी अनंत यात्रा में। तो फिर मैं कौन हूं आचार्य, मेरा परिचय क्या है? मुझे आज तक नहीं बताया गया है कि मेरे माँ बाप कौन है, कहां जन्मा हूं मैं, कैसे यहां आया हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा मैं, क्यों मेरे कंधों पर इतना बड़ा बोझ डाला गया है आचार्य। समय आ गया है कि तू स्वयं मिले अपने इतिहास से आर्यमान। इतिहास? हाँ, एक दिन तुझ पर पुराण लिखे जाएंगे, बनेगा तेरा इतिहास महागाथा ब्रह्मांड की। प्रारंभ तेरे जन्म से कई प्रकाश वर्ष पहले जब हुआ था इस अंतरिक्ष का सबसे भयानक परमाणु युद्ध, लाखों ग्रह रूप ग्रह तो क्या, तारे तक झुलस गए थे इस महायुद्ध में। बचे हुए ग्रहों के लोगों ने अपने प्रतिनिधि बुलाए शांति की स्थापना के लिए, ओमियान की स्थापना के लिए। तब से ओमियान के संरक्षक शांति और व्यवस्था रखते आए हैं अंतरिक्ष में अपनी शांति सेना से। अध्यक्ष रहा हूं मैं तब से ओमियान का, लेकिन जीवन चलता नहीं केवल शुभ से, अशुभ का प्रतीक भी आता रहता है। बार बार कोई ना कोई आता रहता है शांति भंग करने के लिए। ऐसा ही एक प्रतीक था, उसे एक व्यापार संघ का महासामंत नारक, मेरा ही एक बिगड़ा हुआ शिष्य। नारक अति महत्वाकांक्षी था, उसने मेरी शिक्षा का दुरुपयोग किया। अधिक धन कमाने के लालच में उसने कई व्यापारियों की हत्या कर दी और उनके व्यापार पर अपना अधिकार चढ़ा लिया। उसने इतना धन इकट्ठा कर लिया कि थार नरेश जारंत को भी चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया और जीवन उपयोगी थार अस्पताल का ठेका चबा लिया। समस्त ब्रह्मांड में वो अपनी मनमानी करने लगा। ये क्या किया महासामंत नारक, जरा सी बात के लिए आपने पूरा ग्रह उड़ा दिया। प्रश्न जरा सी बात का नहीं, सिद्धांतों का होता है सामंत वैशाख। जरा सी खरोंच आगे चलकर नासूर बन जाती है, इसलिए इसका इलाज पहले ही आवश्यक होता है। ये कैसा इलाज, उसने आपका एक छोटा सा प्रस्ताव नहीं माना, उसके लिए आपने करोड़ों लोगों की जाने ले ली। एक बात याद रखो सामंत वैशाख, जो चीज नारक के काम नहीं आ सकती वो किसी और के भी काम नहीं आ सकती। ये सरासर अन्याय है, आतंक है, उसे एक व्यापार संघ के अध्यक्ष को संयम से काम लेना चाहिए। खामोश, हमें उपदेश देते हो, ये मत भूलो सामंत वैशाख के नारक के नेतृत्व में ही उसे एक व्यापार संघ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और शक्तिशाली समूह बना है। आज अंतरिक्ष के व्यापार पर उसे का ही एक अधिकार है। इसमें सिर्फ आपका ही नहीं,
उस एक संघ के सदस्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। योगदान उनका केवल गिनती का है, उन्होंने सदस्य बनकर सिर्फ संख्या बढ़ाई है। उस एक के पार संघ को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाला सिर्फ मैं हूं, मैं महासामंत नारक, और मैं अपने काम में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता। परंतु आपके सारे कार्य ओमियान संघ के नियमों के विरुद्ध हैं। ओमियान संघ आपके अनैतिक व्यवहार को सहन कभी नहीं करेगा। परंतु मेरे विरुद्ध ओमियान में जाएगा कौन? मैं जाऊंगा, और आपकी इस कारगुजारी की शिकायत करूंगा और आपको दंड दिलवाऊंगा। सामंत वैशाख, तुम मेरे विरुद्ध ओमियान में जाओगे, महासामंत नारक को दंड दिलवाऊंगे। हाँ हाँ, अब मैं आपके उसे व्यापार संघ से अपनी सदस्यता वापस ले रहा हूं। बहुत अच्छे सामंत वैशाख, अब जब तुम उसे एक संघ के सदस्य नहीं रहे तो उसे एक संघ को भी तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, और जिस किसी को उसे एक संघ की आवश्यकता नहीं होती, पूरे ब्रह्मांड को भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। सामंत वैशाख, हम तुम्हारे त्याग पत्र पर मोहर लगाते हैं। नारक की महत्वाकांक्षा ब्रह्मांड से भी बड़ी है, तो उसके सामने यह आर्याना आकाश गंगा का चीज है, जो हमारी महत्वाकांक्षा के विरोध में सर उठाएगा वो सर इसी प्रकार कुचल दिया जाएगा। आर्याना तो नारक के विजय अभियान का प्रथम चरण है, उस पर अधिकार करने के लिए पहले हमें थार ग्रह के महाराज जारांत के थर्स पर पूरा अधिकार प्राप्त करना होगा, और उसके बाद उसे एक व्यापार संघ के अंतरिक्ष यान ब्रह्मांड की दूसरी आकाश गंगाओं की यात्रा करेंगे, उन पर विजय प्राप्त करेंगे, उसे को ब्रह्मांड के कोने कोने में पहुंचाने का सपना देखा है महासामंत नारक ने। अगर कोई हमारी महत्वाकांक्षा के विरोध में खड़ा होने की कोशिश करेगा तो उसे नारक से भी बड़ा सपना देखना चाहिए, और उसके पास नारक से भी ज्यादा खतरनाक दिमाग होना चाहिए। प्रणाम महासामंत नारक। जागु नरेशोर ने क्या उत्तर दिया दूत? जी जी वो जी, ये अटक अटक कर क्या बोल रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बोलते? जाबू ग्रह के राजा शोर ने अपनी पुत्री के साथ आपके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। क्या? और तुम बुजदिलों की तरह वापस आ गए? आगे मुझे कदम बढ़ाने की आपकी आज्ञा नहीं थी महासामंत नारक। मूर्ख, ऐसे मामलों में नारक की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती। उस बुड्ढे की इतनी हिम्मत कि हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दे। दूत जी, जाबो ग्रह पर आक्रमण की तैयारी करो। क्या करने की निशान हमारे अंतरिक्ष की चीज कभी बुलंद थी मैंने आपातकालीन महासभा ओमियान की।